टुडे आई एम गोइंग टू कैमर व्यू। आज हम जा रहे हैं जनाब टेक्नो कंपनी का जो स्पार्क 6 Go है उसका हम कैमरा टेस्ट एंड रिव्यू करने के लिए कैमरे की जा रहे हैं। और इससे पहले इसकी अगर आप अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन लिंक दिया हुआ, वहां पे जाके आप इसका मुकम्मल रिव्यू देख सकते हैं। अब हम इसका कैमरा रिव्यू करते हैं। हम कुछ वीडियोस के यहाँ पे छोड़ लेंगे और ये देखें हम वीडियो बना रहे हैं। और ये देखें हम सबसे पहले पिक्चर छोड़ लेते हैं। चलो पिक्चर क्वालिटी देखते हैं, हम इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी है, इसका जूम देखते हैं, जूम कितना है। ये देखें जूम ये 4x तक जा रहा है और 4x के बाद ये ब्रेक कर देता है, 4x तक ही इसका जूम है। और इस कैमरे में जो हम वीडियोस बना सकते हैं वो HDR A की बना सकते हैं, HDR की बना सकते हैं और HR की बना सकते हैं। ये देखें ये मोड हैं सारे दिए हुए हैं, आप इसमें ये चेंज कर, मैं सबसे हाई मोड इस वक्त सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें आप वीडियो के बनाते वक्त इसका इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम वीडियो इस फोटोज इस इफेक्ट में डाल दिए हैं, ये पिक्चर के बाद या पिक्चर से पहले भी आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कौन सा ये ठीक रहेगा, आपको कौन सा मतलब बेटर लगता है। और इसके अलावा आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो इसका है उसमें सेटिंग में आ सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो इसको आप साइज एनालाइज कर सकते हैं, आप साइज अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप कितने साइज पे वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर फुल साइज भी बनाना चाह रहे हैं तो फुल साइज में ये देखें आ जाएगा। और अगर आप इसमें साइज अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी फाइनली सेटिंग आती है। तो अगर सेटिंग में हम इसको मुख्तलिफ की हुई है, अगर आप इस पे वाटर मार्क्स लगाना चाह रहे हैं या मुख्तलिफ लोकेशन शो करवाना चाह रहे हैं या कस्टमी वॉल्यूम के जरिए, ये बस कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पीछे साइज आप अपनी मर्जी से रखना चाह रहे हैं, कौन सा रखना है, किस किस में होना चाहिए, मैं फुल में रखना चाहूँगा। इसके डिस्प्ले कैप्चर के बारे में है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम कुछ सैंपल्स लेके हैं इमेज से, ये मैं फुल साइज और फुल पिक्चर्स लेने जा रहा हूँ। ये पिक्चर मैं आगे जब लगा दूंगा आप देख लेंगे, और उस इस वीडियो के बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे इसकी क्वालिटी देख रहे। और उसके अलावा हम इसको फुल HD में ये पिक्चर बना रहे हैं, लो क्वालिटी में नहीं बना रहे ताकि इसको आपको बार बार प्रॉब्लम ना बने और बार बार हमें टाइम ज़ाया ना हो। और उसके बाद हम इसका उस पिक्चर के तौर पे जो पिक्चर ली है सैंपल वो आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। और इसके बाद हम कुछ वीडियो बनाते हैं इसमें फुल HD रख के, उस वीडियो का रिजल्ट देखते हैं कि हमें उस वीडियो की क्या परफॉर्मेंस अदा होती है। तो हम इसमें जाते हैं और वीडियोज़ में जाते हैं, जैसा कि मैंने इसका साइज फुल किया हुआ है और ये 1080p पे वीडियो शूट करेगा, 1080p पे ये वीडियो शूट करेगा। और इसको हम वीडियो को शूट करते हैं, कुछ सीन लेते हैं। ये आपको हमने कुछ शॉर्ट्स दिखाए हैं वीडियो के जो कि आपने देखे हैं, वीडियो से शॉर्ट्स जो बने हुए थे इसका वो मुकम्मल रिजल्ट में था जो मैं अभी अपनी मोबाइल में प्ले कर रहा हूँ, ये हमारे पास रिजल्ट का। और ये कुछ हमने वीडियो, अब हम जाते हैं इसकी सेल्फी की तरफ। तो हमें सेल्फी की तरफ क्या रिस्पॉन्स आता है, मेरी बैक साइड से पे फुल लाइट है और फुल लाइट मुझे एक पीछे से आ रही है। और हम इस सेल्फी बनाते हैं और दिखाते हैं आपको डे लाइट में कैसी सेल्फी हमारी आती है। सॉरी, ये वीडियोस है, वीडियो बन गई है, ये सैंपल के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, अब हम जो फ्रंट कैमरा उसकी सेल्फी लेके चेक करते हैं इसकी सेल्फी कैसे आती है। कि जैसे आप देख रहे हो पीछे मेरे बहुत ज़्यादा लाइट है जो जो मुझे पड़ रही है, और आप देखते हैं कि लाइट में इसका कैसा रिजल्ट रहता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो फाइनली हम इसकी सेल्फी लेते हैं और ये सेल्फी
सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे दोस्त ने फ्री सैंपल है जो ले है। अब हम इसकी वीडियो भी टेस्ट कर लेते हैं फ्रंट कैमरे से, वीडियो का क्या परफॉर्मेंस रहती है हमें फ्रंट कैमरे से अगर पीछे लाइट की तरफ देखा जाए तो। मैं हम ये देखें पीछे लाइट है फुल, हम उस लाइट में वीडियो ले रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में सेल्फी और वीडियो की सूरत हाल में जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल नहीं आता इसमें, वो वाइट वाइट सही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये देखें हम अब इस सेल्फी लेके देखते हैं, बैकग्राउंड भी क्लियर आ रहा है, और ये देखें ये हम ले रहे हैं आपके सामने, सही रिजल्ट आ रहा है दिन के वक्त, और अगर फ्रंट से आपको लाइट आ रही है। और इसके अलावा हम कुछ इसमें कैमरे में फोटोस में भी लगा के ब्यूटी के लिए स्पेशल दिया गया है, अगर आप ब्यूटी लगा के तस्वीर बनाना चाह रहे हैं तो आप ब्यूटी लगा के भी इसको बना सकते हैं, फ्रंट और बैक कैमरे दोनों के लिए ब्यूटी है। फाइनली हमने आपको कैमरा रिव्यू इसका टेक्नो स्पार्क 4 का मुकम्मल, सॉरी टेक्नो स्पार्क 6 गो का मुकम्मल हमने आपको कैमरा रिव्यू दे दिया है। अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाह रहे हैं, फुल मोबाइल रिव्यू देखना चाह रहे हैं, अनबॉक्सिंग देखना चाह रहे हैं, तो आई बटन दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करके फाइनली ट्रैक हमारी उस वीडियो पे भी जा सकते हैं। यह आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमारा जो ये पार्टनर मोबाइल स्टोर यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आप ऐसे ही कैमरा और वीडियो और मोबाइल एक्सेसरी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखते रहें। अपना अपने गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट साजिद महमूद के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, गुड बाय।